सरोकार। इस वक्त की बड़ी अपडेट, सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ का आज का दौरा रहेगा। बता दें ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ आज मेरठ में। ये बड़ी अपडेट, जहां कार्यक्रम में प्रधानमंत्री भी वर्चुअली शामिल होंगे। बता दें कि प्रधानमंत्री भी इसमें शामिल रहेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 148 करोड़ की लागत से बनेगा ये अस्पताल, जिसका आज भूमि पूजन करने पहुंचे हैं। ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ में। बता दें आज सीएम योगी आदित्यनाथ मेरठ दौरे पर रहेंगे, जहां ईएसआई अस्पताल का भूमि पूजन करेंगे। बता दें इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल रहेंगे। लखनऊ से बड़ी खबर, पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत का मामला। बता दें कि समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन पहुंचा मोहित के घर। मोहित के घर समाजवादी पार्टी के लोग पहुंचे। अखिलेश यादव ने परिजनों को 1 लाख का चेक सौंपा। बता दें मृतक मोहित की पत्नी को 1 लाख का चेक सौंपा अखिलेश यादव ने, परिवार से बातचीत की। ये बड़ी अपडेट, जहां पुलिस कस्टडी में मोहित पांडे की मौत हो गई थी, जिसके बाद आज समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन मोहित के घर उनके परिवार वालों से मिलने के लिए पहुंचा। अखिलेश यादव ने मोहित की पत्नी को 1 लाख का चेक सौंपा। अयोध्या से बड़ी अपडेट, सरयू तट पर सजे दीपों की आज होगी गिनती। बता दें आज गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी गिनती करने के लिए पहुंचेगी अयोध्या में। ये बड़ी अपडेट, दिवाली के अवसर पर ये सारी तैयारियां, जहां 55 घाट पर 28 लाख दिए बिछाने का काम लगातार जारी। दीपोत्सव को अलौकिक बनाने में प्रशासन ने पूरी ताकत झोंक दी। बता दें ये अपडेट, जहां 30,000 वॉलेंटियर्स घाटों पर दिए जलाने के लिए जुटे हैं। इस बार दीपावली में अयोध्या जगमगाएगा दीयों की रोशनी से। सरयू तट पर सजे दीपों की आज गिनती करने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स की टीम भी पहुंचेगी। लखनऊ से बड़ी अपडेट, तो साइबर क्राइम पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। पीजीआई प्रोफेसर से 2 करोड़ की ठगी के मामले में पुलिस को कामयाबी मिली, जहां पे सीबीआई ऑफिसर बनकर महिला प्रोफेसर के साथ ठगी करने का मामला सामने आया था। बता दें ऐप डाउनलोड करवाकर धमका रही थी ठगी, डरा और धमका कर ठगी की गई थी महिला से, जहां मामले में 18 साइबर ठगों की हो चुकी है गिरफ्तारी। ये बड़ी अपडेट, ठगों से पैसा वापस लेने का साइबर सेल लगातार काम कर रही है और शिकंजा कसने की कोशिश, जहां साइबर क्राइम पुलिस को ये बड़ी सफलता हासिल हुई। लखनऊ से बड़ी खबर, UPSIDC के 154 औद्योगिक क्षेत्र नगर निकाय जिला पंचायत के कर से मुक्त किए गए हैं। बता दें ये अपडेट लखनऊ से, जहां राज्यपाल द्वारा जारी किया गया गजट नोटिफिकेशन, 154 औद्योगिक क्षेत्रों के उद्यमों को इस वजह से बड़ी राहत मिलेगी, ये कहना उनका, जहां व्यापारिक संगठनों ने इस फैसले का स्वागत किया है। UPSIDC के 154 औद्योगिक क्षेत्र को कर मुक्त कर दिया गया है, जिसमें नगर निकाय और जिला पंचायत के कर से मुक्ति मिल गई है, जिसकी वजह से बड़ी राहत मिली है। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया एक गजट नोटिफिकेशन। लखनऊ से बड़ी अपडेट, भारतीय किसान यूनियन ने धरना प्रदर्शन किया है। लखनऊ के शहीद स्मारक पर ये धरना प्रदर्शन किया गया है भारतीय किसान यूनियन के जरिए। अपडेट, जहां किसानों से जुड़ी समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन लगातार जारी। किसानों की जमीन का सर्किल रेट बढ़ाने की मांग की जा रही है।
जिसे लेकर ये प्रदर्शन किया गया। गन्ना किसानों को 14 दिन में भुगतान किए जाने की मांग। अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस फोर्स भी मौके पर तैनात रही। फिलहाल धरना प्रदर्शन शांतिपूर्वक चल रहा है, जहां भारतीय किसान यूनियन ने अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। मेरठ से बड़ी खबर, जिले को आज मिलेगी एएसआई अस्पताल की सौगात। बता दें कि प्रधानमंत्री की वर्चुअल मौजूदगी में सीएम योगी आदित्यनाथ इसका शिलान्यास करेंगे और आज भूमि पूजन है। मार्शल पिच पर 148 करोड़ की लागत से बनेगा मेरठ का ये ईएसआई अस्पताल। 1 लाख से ज्यादा परिवारों को इस अस्पताल से लाभ पहुंचने वाला है। दोपहर 12 बजे मार्शल पिच पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, जिसके बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। ईएसआई अस्पताल के लिए भूमि पूजन सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथों किया जाएगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअल मौजूद रहेंगे। बता दें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो मौजूद रहेंगे। बीते कई वर्षों से 100 बेड ईएसआई अस्पताल की मांग रही है, जो मांग अब पूरा होने जा रहा है। लखनऊ से बड़ी अपडेट, अखिल भारतीय आयुर्वेद का नवा समारोह आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में किया जाएगा ये सारा समारोह। ये अपडेट, जहां पे आज अखिल भारतीय आयुर्वेद का नवा समारोह होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में इस समारोह का आयोजन किया जाएगा। सबसे बड़ी अपडेट, यूपी में निकाह के बाद बांटे जा रहे थे छुआरे। कुछ युवकों ने छुआरे के पैकेट लूटने की कोशिश की, जिसके बाद हड़कंप मच गया। बता दें आप वीडियो में देख सकते हैं, लड़की पक्ष ने आपत्ति जताई, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया, मारपीट शुरू हो गई। इस पूरी घटना का वीडियो अब वायरल हो रहा है। बता दें पूरा मामला संभल का, जहां पे निकाह के बाद जब छुआरे बांटे जा रहे थे, तो कुछ लड़कों ने छुआरे के पैकेट लूटने की कोशिश की गई, जिसके बाद लड़की पक्ष के लोगों ने नाराजगी जताई। उसके बाद विवाद शुरू हो गया और मारपीट शुरू हो गई दोनों पक्षों में। बता दें इस पूरी घटना का वीडियो रिकॉर्ड किया गया, जो अब वायरल हो रहा है। कन्नौज में नाबालिग से रेप के आरोपी के भाई की जमानत निरस्त कर दी गई है। आरोपी नवाब के भाई नीलू यादव की जमानत निरस्त कर दी गई है। बता दें कन्नौज रेप कांड से मामला, जहां नीलू यादव की गैंगस्टर कोर्ट में निरस्त जमानत कर दी गई है। नीलू यादव पर रेप केस में साक्ष्य मिटाने का केस लगाया गया था, जिसमें आज उसकी जमानत रद्द कर दी गई है। नवाब सिंह यादव का छोटा भाई है नीलू यादव, जिसने रेप के सबूत मिटाने की कोशिश की है। नाबालिग से रेप के मामले में आरोपी की जमानत को निरस्त कर दी गई है। बता दें कि नीलू यादव की गैंगस्टर कोर्ट में जमानत निरस्त कर गई है। ये आरोप लगा था कि रेप केस के साक्ष्य मिटाने का जिम्मेदारी थी, जिसपे साक्ष्य मिटाने की वजह से केस दर्ज किया गया था नीलू यादव पे। नीलू यादव, बता दें कि नवाब सिंह यादव का छोटा भाई है। नवाब सिंह यादव पर कन्नौज में एक नाबालिग लड़की से रेप का आरोप लगा था, जिस मामले में साक्ष्य मिटाने को लेकर नीलू यादव पे केस चल रहा था, जो आज उसकी जमानत रद्द कर दी गई है। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए कड़े दिशा निर्देश। दोषी अफसरों को बचाने वाले जांच अधिकारियों पर भी नजर रहेगी। बता दें जो दोषी अधिकारियों को बचाएंगे उन पर भी नजर रहेगी। जांच अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है सीएम योगी आदित्यनाथ के जरिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये कड़े निर्देश दिए, जहां जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखे आरोपी सही या फिर निराधार,
सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना, सिंचाई और जल संस्थान विभाग के अफसरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि जांच में दोषी पाए जाने पर अफसरों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगर किसी ने अधिकारी को बचाने की कोशिश की, नामित जांच अधिकारियों की भी जवाबदेही तय रहेगी। ये कड़े निर्देश दिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज की। अगर अधिकारियों को बचाने में जांच अधिकारी शामिल रहे और बख्शे नहीं जाएंगे, अगर उनकी भी संलिप्तता सिद्ध हो गई तो। सीएम योगी आदित्यनाथ ने जांच अधिकारियों को ये कड़े निर्देश दिए। उनका कहना कि जांच रिपोर्ट में स्पष्ट लिखे कि आरोपी सही या फिर निराधार। सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ सख्त निर्देश, सिंचाई और जल संसाधन विभाग के अफसरों को ये निर्देश दिया सीएम योगी आदित्यनाथ ने कि जांच में दोषी पाए जाने पर अफसर पर भी कार्रवाई की जाएगी, नामित जांच अधिकारियों की भी जवाबदेही तय होगी। ये सीएम योगी आदित्यनाथ का कहना। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। गुप्त रोगों की गंभीर समस्याओं से हैं परेशान? कश्यप क्लिनिक से मिलेगा संपूर्ण समाधान। प्रयागराज के बेस्ट आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट और सलाहकार डॉक्टर बी के कश्यप, पता 30 नवाब यूसुफ रोड, हाई कोर्ट, पानी की टंकी के पास, सिविल लाइंस, प्रयागराज। रिद्धि सिद्धि न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड केयर, यहाँ डॉक्टर राज गौरव के द्वारा बच्चों से जुड़ी सभी बीमारियों का होता है सबसे बेहतर इलाज। रिद्धि सिद्धि चाइल्ड केयर पर बच्चों के सभी प्रकार के टीकाकरण भी उपलब्ध। पता 14/9 सेक्टर 14 इंदिरा नगर लखनऊ। कॉल करें 9711198238। मिठाइयाँ ऐसी कि आप खाए बिना रह ना पाए। संस्कृति स्वीट एंड रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलती है विभिन्न प्रकार की गुणवत्ता से भरपूर स्वादिष्ट मिठाइयाँ और फास्ट फूड से लेकर सभी प्रकार के व्यंजन। पता रोहिणी पॉइंट अपोजिट रामस्वरूप कॉलेज चौराहा, अनौरा अयोध्या रोड, लखनऊ। अब हर